मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जनपद के सांसद विधायकों तथा पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कोविड वैक्सीनेशन के प्रचार प्रसार के साथ शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने तथा उसका लाभ दिलाने जाने के संबंध में चर्चा हुई, जिसके संबंध में खजनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक संत प्रसाद ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के बचाव के लिए शासन के द्वारा चलाए गए कोविड टीकाकरण अभियान का जनप्रतिनिधियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे सभी नागरिकों का टीकाकरण किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार के द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो निःशुल्क राशन वितरण करने का निर्णय लिया गया है, उसका सभी सांसद विधायक अपने अपने क्षेत्र में मॉनिटरिंग करें तथा जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं बन पाया है ऐसे व्यक्तियों का राशन कार्ड बनवाने में मदद करें। इसके अलावा कोरोना के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके नाम पर पौधारोपण करें। इस अवसर पर सदर सांसद रवि कृष्ण, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान, राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, चौरी चौरा विधायक संगीता यादव, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सहजनवा विधायक शीतल पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए विधायक संत प्रसाद ने कहा, जिले और महानगर के महामंत्री एवं मंडल अध्यक्षों की इस बैठक में यहाँ पर आज हम सबको इसका पात्र हम सबके नेता करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को अभिनंदन है। आज इस बैठक में यहाँ पर गोरखपुर के प्रभारी मंत्री बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय जयप्रकाश निषाद जी, जिला पंचायत की नवनिर्वाचित अध्यक्ष फतेह बहादुर सिंह जी, श्री संत प्रसाद जी, लोकप्रिय विधायक श्री शीतल पांडे जी, श्री डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, महेंद्र पाल सिंह जी एवं आज की इस बैठक में यहाँ पर विशेष तौर पर उपस्थित हम सबके नेता लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भी उपस्थित हैं। आप सभी का इस सभी महामंत्रीगण, जिले और महानगर के सभी मंडल अध्यक्षगण आज की इस बैठक में उपस्थित हैं। आप सभी का इस बैठक में हार्दिक स्वागत आदरणीय क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी से सादर आमंत्रित करते हैं कि वो एकल पुष्प लेकर कुछ जिले के हम सब की आस्था के केंद्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोराक्ष पीठाधीश्वर, गोरखपुर जिले के प्रभारी मंत्री सम्माननीय रमापत शास्त्री जी, जिला पंचायत की सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, लोकप्रिय सांसद सम्मानित कमलेश पासवान जी, राज्यसभा के सदस्य सम्मानित जयप्रकाश निषाद जी, हमारे फतेह बहादुर सिंह जी, सम्मानित डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, महापौर सम्मानित सीताराम जायसवाल जी, विधायक सम्मान महानगर के अध्यक्ष सम्मानित राजेश गुप्ता जी, जिला के उपाध्यक्ष सम्मानित गोरखपुर जिला और गोरखपुर महानगर को चलाने वाले सभी सम्मानित महामंत्री और मंडल अध्यक्षगण, आप सब की तरफ से मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जो नींव है वो हमारा मंडल है, हमारी जो ताकत है वो हमारा मंडल सेक्टर और बूथ है और इससे गोरखपुर जिले को चलाने वाली ये महत्वपूर्ण टोली बैठी है। ऐसी महत्वपूर्ण टोली का एक बार मैं परिचय पूज्य महाराज जी के सामने, आप सबका परिचय है फिर भी एक पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। महानगर के
अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी मंच पर हैं, विद्यालय मंडल के अध्यक्ष श्री सिद्धांत घोष जी, गोरक्षनगर मंडल के अध्यक्ष श्री सतसुखदेव जी, राप्ती नगर मंडल के अध्यक्ष श्री अजय परेश त्रिपाठी जी, मंडल अध्यक्ष गोपालपुर श्री संतोष तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष बढ़ागंज श्री अखंड प्रताप शाही जी, मंडल अध्यक्ष लड़ा। सेवा के कार्य के साथ साथ संगठनात्मक जो गतिविधियां प्रारंभ की उसमें आईटी और सोशल मीडिया की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, यह हम सब नीचे तक मंडल स्तर तक इसका गठन प्रारंभ कर दिया। मुझे लगता है कि मंडल स्तर तक इसकी सूची बन चुकी है, जिले स्तर तक आईटी और सोशल मीडिया घोषित की जा चुकी है। सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर जो सरकार के द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन लगवाए जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता दो तीन की टोली में, तीन चार की टोली में अलग अलग समय पर जा करके वहाँ लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं, और आगे भी जो तीसरी लहर संभावित है जिसकी तैयारी पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तय किया है कि प्रत्येक गांव से एक महिला और एक युवा ऐसे हेल्थ स्वयं सेवक के रूप में जिनकी ट्रेनिंग देकर के, मंडल स्तर पर ट्रेनिंग देकर के इस चुनौती का सामना कर सकें। हाँ, तो वो भी हम सब करेंगे। कोटे की दुकान के सामने जहाँ केंद्र सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश में पूरा जून जुलाई अगस्त में दो बार निःशुल्क गरीबों को राशन दिया जा रहा है, हम सब ने अपने मंडल के पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि कोटे के मुद्दा ही मेन तो कोरोना में था। कोरोना में जो काम सेवा भी कार्य है, इसको जो कार्यकर्ता किए थे उसको और आगे बढ़ाने के लिए सरकार महीने में दो बार फ्री में अन्न दे रही है, उसको हर जगह जाकर वितरण हो रहा है, नहीं हो रहा है, जिन्हें नहीं मिल रहा है उनको दिलाने के लिए, और जो लोग कोरोना में दुर्भाग्यवश मर गए हैं उनके नाम से एक धर्म एक सप्ताह वृक्षारोपण का काम चल रहा है, तो उनके नाम पर वृक्ष लगाने के लिए गांव सभा की ज़मीन पर यही सब ये किया गया। फिर